So in the following question, the value of root 12 plus root 24 plus root 48. So how we have to find out the value of this? तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए root 12, root 24 and root 48 जो है वो आपको दिया हुआ है. बहुत ही ज़्यादा आसान है. ऐसे अगर आपको root में कुछ भी दिया हो तो you have to simplify it, right? तो यहाँ पर root 12 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? I can write it this way, 3 into 4, right? अगर मैं चाहूँ तो root 24 को किस तरीके से लिख सकती हूँ? You can see that 4 into 6, right? So I can write it this way, 4 into 6, 8 into 3, okay? दूसरा तरीका जो है, यहाँ पर I have to write 48. So how could I write 48? I can write it 12 times, right? तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? What could I multiply by 12? I can multiply it by 4, right? तो यहाँ पर हम तीनों केसेस में देख रहे हैं, 4 is common value. We have nothing to do with this, but हमें ये देखना है कि 4 is the complete square of 2, right? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 means 2 into 2, यानी कि 2 जो है, वो इस root से बाहर आ सकता है, right? तो यहाँ पर 2 जो है, वो बाहर आया, अंदर है root 3, okay? Now, plus, again 4 बाहर आ सकता है, this way, 2, and this is what? This is root 6. But root 6 में हम देखेंगे 3 and 2 are there, right? तो कुछ भी common नहीं है, तो यहाँ पे कोई changes नहीं होंगे. So it will be root 6. Now here you can see, again 4 के case में 2 बाहर आया. Now again you can write 3 into 4. तो फिर से ये 4 जो है 2 के form में क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा. इसका मतलब बाहर आ रहा है 4, right? और अंदर कितना बचा? Root 3. ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सिंपलीफाई किया. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रूट थ्री एंड रूट थ्री ये जो है वो कॉमन वैल्यूज है. तो यहाँ पर रूट थ्री और रूट थ्री कॉमन है, तो इनके आगे जो वैल्यूज लिखी हुई है 2 and 4, दे विल ऐड. तो यहाँ पर 2 और 4 जो होगा वो ऐड हो सकता है. तो 2 plus 4 हो जाएगा 6 एंड रूट थ्री रहेगा सेम प्लस 2 root 6. Now there is no common values among them. तो हम देखेंगे this is the answer which is 6 root 3 plus 2 root 6 and this is the final answer of this question. तो इस तरीके के questions को हम इन तरीके से देख सकते हैं. तब तक हमें इनको solve करना है जब तक ये simplify नहीं हो जाते. After that कि आपने देख लिया कि हाँ they are simplified, अब कुछ आगे solve करने के लिए नहीं है, then you can leave them and this is the answer. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Thank you.